नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं दोस्तों आप सभी की सेवा में कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। आइए आज हम सभी मोठ के बारे में जानते हैं। मोठ एक प्रकार की औषधि होती है। मोठ घोड़े का उत्तम आहार माना जाता है। मोठ खिलाने से घोड़े की थकान उतर जाती है। ज्वर बुखार में मूंग और मोठ की दाल देनी चाहिए। दस्त में खून आता हो तो मोठ लाभदायक है। लिसिथीन यानी कि मस्तिष्क से संबंधित एक द्रव्य, ये भी मोठ में अच्छी मात्रा में होती है। मोठ पित्त ज्वर बुखार खून पित्त दाह यानी कि जलन उन्माद यानी कि पागलपन इत्यादि रोगों में लाभ पहुंचाता है। मोठ वायु कारक मल को रोकने वाली कफ और पित्त को नष्ट करने वाली होती है। जठराग्नि यानी कि भूख लगने की क्रिया को धीमा करने वाली और कृमि नाशक यानी कि कीड़े को नष्ट करने वाला होता है। आइए हम जानते हैं ये किन किन रोगों में काम करती है। अरुचि यानी कि भोजन का मन न करना। मोठ की दाल खाने से अरुचि दूर होती है, आपको खाना खाने की इच्छा होने लगेगी। गर्भाशय की शुद्धि के लिए मोठ की रोटी खाने से प्रसव होने के बाद गर्भाशय की शुद्धि होती है। अधिक पसीना अगर आपको आता हो तो मोठ को सेक कर आटा पीस लें। एक मुट्ठी मोठ और आधा चम्मच नमक को मिलाकर शरीर में जहां अत्यधिक पसीना आता हो वहां मलने से अधिक पसीना निकलना बंद हो जाता है। यदि मल के साथ खून गिरता हो तो मोठ को उबालकर उसमें कद्दूकस पर घिसा हुआ प्याज मिलाकर खाने से खूनी पेचिश दूर होती है। अतिसार यानी कि 10-4 ग्राम कंद का चूर्ण मट्ठे के साथ दिन में 2 बार दीजिए, लाभ होगा। आंवरक्त यानी कि पेचिश, इसे कहीं कहीं लोग गोभी के नाम से भी जानते हैं। मोठ को उबालकर उसमें प्याज का रस या प्याज के टुकड़ों को अच्छी तरह से मिला लें। उस मिश्रण को खाने से खूनी पेचिश के रोगी को लाभ मिलता है। गठिया रोग, घुटनों का दर्द नया हो या पुराना, मोठ को पीसकर लड्डू बनाकर खाने से गठिया रोग में लाभ होता है। नहरुआ यानी कि स्नायु, 60 ग्राम मोठ का आटा लेकर उसमें हींग मिलाकर लेप बना लें। इस लेप की पट्टी बांधने से नहरुआ रोग दूर हो जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए, आज की हमारी औषधि आप सभी के लिए। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।